हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ समर डाइट के बारे में बात करूंगी, एक ऐसी डाइट जिसको मैं कहूंगी दबा के खाओ और वेट लूज करो। है ना, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन कि दबा के खाओ और वेट लूज करो, बिल्कुल सही है ये। और वो है समर में मिलने वाला, बहुत आसानी से मिलने वाला खीरा, यानी कि कुकुम्बर। कुकुम्बर एक बहुत जानी पहचानी सब्जी है, हम लोग इसको सब्जी में काउंट करते हैं, लेकिन वाकई में ये असल में ये फ्रूट होता है, फ्रूट की कैटेगरी में आता है और गॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। ये साउथ एशिया में इसका ओरिजिन हुआ था और लेकिन आजकल ये वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट में इसको उगाया जाता है। आप जान के हैरान होंगे कि 100 के करीब खीरे की वेराइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड पैदा की जाती है, जिसमें हम लोग तो जानते हैं हरा खीरा जो हमारे यहाँ मिलता है, कोई खीरा होता है जिसमें येलोइश भी टच होता है, लेकिन ज्यादातर ग्रीन कलर का खीरा हम जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि खीरा सफेद भी होता है, पीला भी होता है और ऑरेंज कलर का भी होता है। जी हाँ, और जैसा कि मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज आर देयर, लेकिन इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। दो कैटेगरी है इनकी मेनली, एक कैटेगरी है स्लाइसिंग और दूसरी है पिकलिंग। एक वो कैटेगरी जो हम खाते हैं, स्लाइसिंग माने जो कच्चा खाया जाता है वो खीरा, और दूसरा है पिकलिंग, जिनको कच्चा नहीं खाया जाता है, उसको फर्मेंट करके अचार की तरह बना के खाया जाता है। और खीरे के साथ एक और हैरान करने वाली बात, जब मैं खीरे के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे अभी पता चला कि कोलंबस के बारे में आपने सबने सुना होगा, जब कोलंबस ट्रेवल कर रहा था, जब वो यहाँ आया था तो 1494 में यहाँ से वो खीरा लेके गया था हेटी में। खीरा मतलब इतना इम्पोर्टेंट है ये खीरा, और उस टाइम से ये खीरा इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट खीरा? पानी पीना सबके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर पानी को खाया जाए तो वो ज्यादा फायदा करता है। आप सोचिए पानी को कैसे खाएंगे? तो पानी को खाने का एक तरीका तो है खीरा खाओ, क्योंकि खीरे में 95% पानी होता है और इसमें मैक्सिमम फाइबर होता है, इसमें कैलोरीज नहीं होती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ऐसी डाइट जिसको आप दबा के खाओ और आप अपना वेट लूज करो। खीरे में बहुत सारे गुण होते हैं, सबसे बड़ा गुण तो यही है कि इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, फाइबर बहुत ज्यादा होता है और कैलोरी कम होती है। क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है इसलिए पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, हमारी स्किन को ठीक रखता है, क्योंकि जब स्किन डिहाइड्रेट नहीं होगी तो स्किन खराब नहीं होगी। इसके साथ साथ इसके वाटर कंटेंट की वजह से और इसके फाइबर कंटेंट की वजह से ये पेट की समस्याएं जैसे कि गैस है, बदहजमी है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इन सब से भी छुटकारा दिलाता है। अब सिर्फ यही नहीं है कि इसमें कैलोरी कम है और पानी ज्यादा है इसलिए ये खाना चाहिए, इसमें और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। विटामिन की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन के, बी, B6, डी, ये सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम भी बहुत होता है, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम भी इसमें बहुत मात्रा में होते हैं। तो अगर आप खीरा खाते हैं, अपना दिन में एक सर्विंग खीरे की लेते हैं तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं आप, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और कैलरी आपको बहुत कम मिलती है, मतलब आपका वेट नहीं बढ़ेगा और न्यूट्रिएंट आपको सारे मिल जाएंगे। तो हुआ ना ये खीरा एक अमेजिंग डाइट, इसको अपनाना चाहिए, जरूर अपनाना चाहिए, ताकि हमें हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ वेट का प्रॉब्लम भी ना हो। तो चलिए पहले बात करते हैं कि खीरे के और क्या क्या गुण हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्यों खाना चाहिए खीरा। ये वेट लूज करने में मदद करता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और जब इसको खाया जाता है तो ये काफी लंबे टाइम तक फुल भी रखता है, और इसमें कैलरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए ये वेट लूज करने में बहुत मदद करता है। और अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण, हाई वाटर क्वांटिटी और हाई फाइबर क्वांटिटी के कारण, ये डाइजेशन में मदद करता है। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग होता है, ये स्किन के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये हाइड्रेट रखता है अंदर से, और इसीलिए स्किन में क्रैक या कोई रैशेज या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये स्किन को इलास्टिसिटी देता है, आई साइट को भी ठीक रखता है। क्योंकि जब इसको जब खीरा खाया जाता है तो मैंने अभी बताया कि स्किन ठीक रहती है, और जब स्किन आंखों के आसपास की भी ठीक रहेगी तो आंखों में खुश्की नहीं आती है। खीरा डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ हमारी बॉडी को एल्कलाइन भी रखता है और एसिडिक नहीं होने देता है, हमारे पीएच लेवल को भी ठीक करता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का जो रिस्क है उसको भी कम करता है, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है।
इसके बाद और भी इसके बहुत फ़ायदे हैं, हेयर रिपेयर के लिए काम करता है, मुंह से अगर दुर्गंध आती क्योंकि आपका पेट अगर ठीक है तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, तो ये खाने से डाइजेशन ठीक होगा और बैड ब्रेथ का जो प्रॉब्लम है उसको ये दूर करेगा। कुछ एनिमल स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि ये डायबिटिक सिम्टम्स को भी ठीक करता है। अभी इसके ऊपर रिसर्च कुछ और होना बाकी है, बट ऐसा माना जाता है कि डायबिटी में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर इसको स्किन के ऊपर पैक की तरह लगाया जाए तो ये डेड स्किन को ख़त्म करता है, टैनिंग नहीं होने देता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जैसे के सी बी सिक्स और डी, तो ये न्यूट्रिएंट है काफ़ी। इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो ये कुल मिला के हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छी हेल्थ और वेट लॉस दोनों ही फायदे इससे हमको मिलते हैं। आपने मदर्स डे सुना होगा, फादर्स डे सुना होगा, फ्रेंड्स डे सुना होगा, आपने कभी सुना है क्यूकम्बर डे भी होता है, ये भी मनाया जाता है और वो है 14th जून। 14 जून को क्यूकम्बर डे के रूप में मनाया जाता है। हम तो नहीं मनाते बट इट इज देयर इन द वर्ल्ड। तो देखा आपने कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं खीरे के, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये समर की परफेक्ट डाइट है। और दूसरी सबसे खास बात ये कि सस्ता भी है। मैं मेरे पिछले कुछ वीडियो में जब मैंने नट्स और सीड्स की बात करी थी तो कुछ लोगों ने लिखा ही तो बहुत महंगे होते हैं, तो चलिए एक सस्ती डाइट मैं आपके लिए ले आई हूँ, इसको मैं आप अपनी डाइट में शामिल करें और जब ये मौसम में, जिस मौसम में ये ज्यादा आता है उस मौसम में आप इसको इस्तेमाल करें। मैं कुछ एक खीरे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको इन तरीके से भी खा सकते हैं क्योंकि खीरा तो कई तरीके से खाया जा सकता है। आप सैलेड बनाएं, आप इसको रायता बनाएं इसका, या इसका डिटॉक्स वाटर बनाएं, बहुत सारे तरीके हैं खीरे को खाने के। तो चलिए पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक खीरा जिसको बहुत अच्छे से धो लिया है, और क्योंकि मैंने इसको पील के साथ ही यूज करना है तो इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना बहुत जरूरी है। अब इसको इस तरीके से लंबा लंबा काट के मैं इसका बनाऊंगी डिटॉक्स वाटर। कुछ खास मुश्किल नहीं है, एक जार में रख देंगे जिसमें लगभग एक लीटर के करीब पानी आता है, उसमें ये डालेंगे और साथ में डालेंगे एक डंडी पुदीने की, क्योंकि पुदीना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसको। और इसको 2-3 घंटे रखने के बाद आप पी सकते हैं। गर्मियों में अगर ये 4 घंटे से ज़्यादा आप रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखना होगा, अदरवाइज़ आप इसे बाहर रख सकते हैं। एक बार आप जब एक गिलास पानी निकालते हैं तो उसे दोबारा रिफिल कर दो, तो ये आप कम करीब इसमें 2 लीटर तक पानी बना सकते हैं। दूसरी रेसिपी मैंने बनाई है खीरे का रायता। यहाँ भी मैंने खीरे को विद पील यूज़ किया है, तो अगेन धोना, अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खीरे को ग्रेट कर लेंगे, बारीक कद्दूकस कर लेंगे इसको। बारीक करें तो ज़्यादा अच्छा है, आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, बट मैंने ये बारीक किया है। और इसके बाद इसको दही में मिलाना है एज इट इज़, पानी के साथ पूरा, इसमें पूरा का पूरा फाइबर भी होगा, खीरे के जो कच्चे बीज होते हैं वो भी होंगे, खीरे का जो स्किन है वो भी है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट और बहुत सारा इसमें फाइबर है। अब इसको दही में मिलाएंगे, और क्योंकि दही के गुण भी आपके साथ हैं तो ये रायता एक बहुत ही हेल्दी रायता बनने वाला है। हाँ, यहाँ पर आप वाइट वाला नमक ना डालें, उसके बदले में अगर चाहें तो आप जो मैंने शिकंजी मसाला बनाया था वो आप डाल सकते हैं, या तो फिर ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार उसको डालें, जितना आपको चाहिए कम या ज़्यादा। और उसके बाद इसको गार्निश करें पुदीने से। तो ये जो खीरे का रायता बनता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप इसको अकेला भी खाना चाहें तो तब भी आपको टेस्ट आएगा, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक फुल भी रखेगा क्योंकि इसमें दही भी साथ में है, तो ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाता है। ये देखिए कितना सुंदर ये बन के तैयार हो गया है। खीरे की और भी डिशेस बन सकती हैं, जैसे आप स्मूदी बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, डिटॉक्स वाटर मैंने बताया, रायता बताया, इसके साथ सैलेड आप बना सकते हैं, या आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि जितना हो सके अवॉइड करें, वाइट नमक नहीं लें, उसके बदले में पिंक सॉल्ट लें या तो ब्लैक सॉल्ट लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। खीरा वैसे तो बहुत हेल्दी है, लेकिन इसको खाते समय कुछ एक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे खीरा खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और खीरा ही नहीं जो भी वाटरी फ्रूट्स होते हैं जैसे पाइन एप्पल हुआ या वाटरमेलन हुआ, उनके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। खीरा अगर कड़वा निकले तो उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है,
और खीरे की जो स्किन है, आजकल जो इतनी वैरायटी के खीरे आते हैं उनकी स्किन पे वैक्स लगाया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। तो जब भी आप खीरा विद स्किन खाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करना और स्क्रब करना जरूरी होता है। तो देखा आपने, रेसिपीज भी बड़ी आसान है, खीरा मिलता भी बड़ी आसानी से, खीरा मिलता भी सस्ता है, तो इसको अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें मिलने वाले सारे पाइथो न्यूट्रिएंट्स का फायदा उठाएं और इसमें जो फिनोलिक कंपाउंड्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं उसका भी पूरा पूरा फायदा उठाएं। मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।